मैं संजय सैनी, आज मैं आपको साउंड हार्मोनिक्स के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल ऑफ साउंड हार्मोनिक्स या हार्मोनिक्स क्या होती हैं और क्या इनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हार क्या होती है, तो ए हार्मोनिक इज एनी मेंबर ऑफ द हार्मोनिक सीरीज। द टर्म इज एम्प्लॉयड इन वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग म्यूजिक, फिजिक्स, अकोस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसमिशन, रेडियो टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड। ये हार्मोनिक जो सीरीज होती है ये आपके कई क्षेत्रों में काम आ सकती है, जैसे म्यूजिक के हार्मोनिक्स है, फिजिक्स के अंदर हार्मोनिक्स पढ़ते हैं अपन, अकोस्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसमिशन है, रेडियो टेक्नोलॉजी है और अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो साउंड हार्मोनिक्स की, अकोस्टिक्स हार्मोनिक, म्यूजिक हार्मोनिक। इट इज टिपिकली अप्लाइड टू रिपीटिंग सिग्नल सच एज साइनसोइडल वेव्स। ये बेसिकली किस पे अप्लाई होती है, ये रिपीटिंग सिग्नल, जैसे साइनसोइडल साइन वेव आपने देखी होगी, साइन वेव एक रिपीटिंग सिग्नल है, तो साइनसोइडल वेव्स के ऊपर ये अप्लाई होती है। ए हार्मोनिक ऑफ सच ए वेव इज ए वेव विद अ फ्रीक्वेंसी दैट इज पॉजिटिव इंटीगर मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कोई फ्रीक्वेंसी है, सपोज करो एफ फ्रीक्वेंसी है, तो उसके जो पॉजिटिव इंटीगर मल्टीपल होंगे, जैसे एफ की क्या हो जाएगी, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, 7f, ऐसे जो इंटीगर मल्टीपल होंगे वो इसकी हार्मोनिक्स कहलाती है। तो इंटीगर मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो उसकी हार्मोनिक कहलाती है, और जिसके भी मल्टीपल हो रहे हैं वो उसकी जो कि ओरिजिनल वेव है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, वो क्या कहलाती है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है उसकी। तो क्लियर हो गया आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स क्या होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होती है बेसिक फ्रीक्वेंसी जिसके कि इंटीगर मल्टीपल हो रहे हैं पॉजिटिव, वो उसकी हार्मोनिक्स होती है। द ओरिजिनल वेव इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम अपन फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। द फॉलोइंग हार्मोनिक्स आर नोन एज हायर हार्मोनिक्स, और उसके बाद जो मल्टीपल आ रही है उनको हम हायर हार्मोनिक्स कहते हैं। जैसे डबल हो रही है, अगर सपोज करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ जीरो है और अगर डबल हो रही है, 2f0 हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, 2f0 सेकेंड हार्मोनिक, 3f0 थर्ड हार्मोनिक, 4f0 फोर्थ हार्मोनिक, इस तरीके से ये हार्मोनिक्स हो जाएगी। ऑल द हार्मोनिक्स आर पीरियडिक एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द सम ऑफ हार्मोनिक इज आल्सो पीरियडिक एट दैट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, जो कि कॉमन अपने एसी पावर सप्लाई की होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट थ्री हार्मोनिक्स विल बी क्या होगी इसमें, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है तो फर्स्ट इसकी डबल मींस सेकंड हार्मोनिक 100, फिर इसकी ट्रिपल 150 हर्ट्स, फिर इसकी चार गुनी 200 हर्ट्स, एंड एनी एडिशन ऑफ वेव्स विद दीज फ्रीक्वेंसीज पीरियोडिक एट 50 हर्ट्स, ये क्या हो जाएगी उसकी हार्मोनिक होगी 50 हर्ट्स की, जो भी पीरियोडिक में आएगी, क्योंकि 50 हर्ट्स आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई और उसकी हार्मोनिक्स हो गई। अब साउंड हार्मोनिक क्या होती है, साउंड हार्मोनिक इज वन ऑफ एन असेंडिंग सीरीज ऑफ सोनिक कंपोनेंट्स, सोनिक कंपोनेंट्स दैट साउंड अबाउट द ऑडिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। The higher frequency harmonic that sound above the fundamental frequency make up the harmonic spectrum of the sound. So harmonics are integral multiples of the
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल। इसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको, साउंड हार्मोनिक के अंदर भी वही चीज़ अप्लाई होती है, बट यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ सोनिक कंपोनेंट्स। तो ये होगी आपकी साउंड हार्मोनिक्स। अब ये देखिए, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एक गिटार की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसमें जहाँ भी एम्पलीट्यूड कम है या जीरो है उसको हम कहते हैं नोट, और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी नोट। सो द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रैक्टिकल पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो एक गिटार प्रोड्यूस कर सकता है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। The diagram at the right shows the first harmonic of a guitar string. So this is note and antinote. So this is the first harmonic of the guitar. ये fundamental frequency है आपके guitar की। ये स्लाइड में देख रहे हैं आप, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द गिटार स्ट्रिंग। नोट एंटी नोट है, फिर एक नोट है, फिर एंटी नोट और फिर एक नोट है। सो द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वन मोर नोट बिटवीन द एंड ऑफ द गिटार स्ट्रिंग। एंड ऑफ कोर्स इफ ए नोट इज एडिड टू द पैटर्न देन एन एंटी नोड मस्ट बी एडिड। अगर आप नोड बढ़ा रहे हो तो एंटी नोड भी आपको रखना पड़ेगा एक। एज वेल इन ऑर्डर टू मेंटेन एन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ द नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो ऐसे अल्टरनेटिंग पैटर्न नोट और एंटी नोट के बन जाते हैं। सेकेंड हार्मोनिक है तो इसमें देखिए आप, फंडामेंटल हार्मोनिक में क्या था, केवल एक नोट, एक एंटी नोट और एक नोट था। यहाँ पर आपके ऐसे दो आ रहे, नोट एंटी नोट, नोट फिर एंटी नोट और फिर नोट। तो ये सेकेंड हार्मोनिक हो गई। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न दैट नोट मस्ट बी लोकेटेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द गिटार स्ट्रिंग। ये नोड हैं वो कहाँ पर होंगे, गिटार की एंड स्ट्रिंग पे होंगे, बिल्कुल आखिरी वाली दोनों पॉइंटों पे। गिटार की स्ट्रिंग होती है, रेगुलर पैटर्न बनाने के लिए आपको, और रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न बनाने के लिए आपको नोड दोनों गिटारों की एंड, ऑब्वियस है ये बात की, एंड भी रखोगे तभी बीच में मल्टीपल पैटर्न बनेंगे, अन्यथा कैसे बनेंगे। तो आपको गिटार की एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर आपको ये रखने पड़ेंगे नोड, एंड उसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर। दिस एडिशनल नोड गिव द सेकेंड हार्मोनिक ए टोटल ऑफ थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स। तो कितने हो गए इसमें, सेकेंड हार्मोनिक के अंदर नोड हो गए तीन और एंटी नोड हो गए कितने, दो। तो ये एक गिटार की स्ट्रिंग की सेकेंड हार्मोनिक है। इसी तरीके से हम इसकी थर्ड हार्मोनिक भी देख सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक के लिए इस स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये थर्ड हार्मोनिक के लिए, तो ये थर्ड हार्मोनिक के लिए देखिए इसके अंदर क्या है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड और नोड। तो ऐसे तीन पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक के जो पैटर्न थे ऐसे तीन बन रहे हैं। सो
द थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग टू नोट्स बिटवीन द एंड ऑफ द गिटार स्ट्रिंग बिटवीन द एंड ऑफ द गिटार स्ट्रिंग एंड ऑफ कोर्स इफ टू नोट्स आर एडेड टू द पैटर्न देन टू एंटी नोट्स मस्ट बी एडेड नेचुरल है जब आप टू नोट्स बढ़ा रहे हो तो टू एंटी नोट्स भी बढ़ाने ही पड़ेंगे बिना नोट या एंटी नोट के उससे कंप्लीट पैटर्न बनेगा नहीं इन ऑर्डर टू क्रिएट ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ दिस हार्मोनिक टू एडिशनल नोट्स मस्ट बी इवनली स्पेस बिटवीन द एंड ऑफ द गिटार स्ट्रिंग जो गिटार की स्ट्रिंग का जो एंड है उसमें बिल्कुल इवनली पोजीशन के ऊपर आपको दो नोट्स और एंटी नोट रखने पड़ेंगे तो ये इस तरीके से ये हार्मोनिक बनेगी दिस प्लेसेस देम एट द वन थर्ड मार्क एंड टू थर्ड मार्क अलोंग द स्ट्रिंग अगर आप एक एंड से शुरू हो जाए इसमें सपोज करो हम राइट हैंड साइड से शुरू हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे सपोज ये मान लो फुल स्ट्रिंग है इसकी लेंथ तो राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो पहला नोड आएगा कितने पे आएगा टू थर्ड पे आएगा इसकी टू थर्ड लेंथ पे आएगा और जो फर्स्ट नोट आएगा इसका वो आपकी वन थर्ड मोड में आएगा ठीक है तो इस तरीके से ये तीन नोट हो जाएंगे इवनली स्पेस्ड अगर आप फोर्थ हार्मोनिक यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा फिर ये इसके चार डिवाइड चार टुकड़े होंगे बीच में तो वन फोर्थ के ऊपर नोट आएंगे पहला नोट आएगा वन फोर्थ पे दूसरा नोट आएगा हाफ पे तीसरा आएगा थ्री फोर्थ पे और चौथा आ जाएगा फुल लेंथ के ऊपर तो ऐसे आप इसके नोट्स बना सकते हैं जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सो दीज एडिशनल नोट गिव द थर्ड हार्मोनिक ए टोटल ऑफ फोर नोट्स एंड थ्री एंटी नोट्स तो जहाँ तक अपने थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो थर्ड हार्मोनिक में कितने नोट आ रहे हैं थर्ड हार्मोनिक में नोट आ रहे हैं आपके चार और एंटी नोट कितने आ रहे हैं तीन एंटी नोट आ रहे हैं इसमें तीन और नोट आ रहे हैं चार जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है इसका थर्ड हार्मोनिक का वो शो हो रहा है आपके राइट में अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अपन फोर्थ हार्मोनिक यूज करेंगे तो कितने नोट और कितने एंटी नोट आएंगे अब कितने आएंगे फोर्थ हार्मोनिक के अंदर एंटी नोट तो कितने हो जाएंगे जितने हार्मोनिक है उतने एंटी नोड होते हैं ये आप तो ये याद रखिए तो चार अगर थर्ड हार्मोनिक है तो तीन एंटी नोड हो रहे हैं सेकंड हार्मोनिक है तो दो एंटी नोड हो रहे हैं एक हार्मोनिक है फंडामेंटल है तो वन हो रहे हैं तो चार अगर फोर्थ हार्मोनिक है तो चार एंटी नोड हो रहे हैं और नोड कितने हो जाएंगे उसके अंदर नोड से एक ज्यादा हो जाएगा पांच हो जाएगा तो थर्ड हार्मोनिक में तीन एंटी नोड चार नोड और फोर्थ हार्मोनिक में चार एंटी नोड्स और पांच नोड तो इस तरीके से आप यह हार्मोनिक्स है साउंड हार्मोनिक्स आपने ये देखा कि ये कैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल में होते हैं इंटीगर मल्टीपल नॉट इंटीगर पॉजिटिव मल्टीपल
इंटीजर पॉजिटिव मल्टीपल में होते हैं ये। फंडामेंटल हार्मोनिक को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, उसके बाद सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो ये आपकी साउंड हार्मोनिक्स थी। अगली क्लास में मैं साउंड के और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लाउडनेस है, टिम्बर है, टोन है, पिच है, बैलेंस कंट्रोल है, ग्राफिक इक्वलाइजर है। इसके एम्पलीफायर सेक्शन को देखेंगे, थोड़ा प्री एम्पलीफायर सेक्शन को देखेंगे, ये सब चीज़ें आप आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।